आज 249 पीएससी कर्मी आज इस पुलिस लाइन में जो आधारभूत प्रशिक्षण चल रहा था रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में, उसको कंप्लीट करके परीक्षाएं पास कर आज पास आउट हुए हैं। आज उनके द्वारा आज पासिंग आउट परेड किया गया। परेड बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रही। सभी लोगों ने, सभी हमारे कैडेट्स ने इसके लिए कड़ा श्रम किया। मैं अपने सभी कैडेट्स को जो अब उत्तीर्ण हो गए हैं और हमारे पीएसी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उन सबको, उनके सभी परिवारजनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं साथ में आरटीसी के जितने हमारे कर्मी थे, जितने प्रशिक्षक थे, इंडोर प्रशिक्षक, आउटडोर प्रशिक्षक, उनको, उनके पर्यवेक्षण अधिकारी, सीओ लाइंस, एसपी सिटी और एसएसपी, सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी आरटीसी पिछले 6 महीने में कंडक्ट कराई, बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दी और बहुत ही रुचि लेके अंतः विषयों को पढ़ाया, जिसमें कानून, जो पुलिस की कार्य पद्धति है, आमजन से व्यवहार, संविधान, इन सभी विषयों पे उनको शिक्षाएं दी गई, उनको क्लासेस दिए गए, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए। और मुझे आशा है कि ये सभी 249 नए पीएससी कर्मी ये आगे बहुत सालों तक पुलिस में रहेंगे, ये पुलिस का भविष्य है। तो इनकी ट्रेनिंग उच्च कोटि की होनी चाहिए थी, जो करवाई गई है, और आशा है इनके आने से और भविष्य में इन लोगों के, नए लोगों पे जब पुलिस का, इनके कंधों पे पुलिस का की का कर्तव्य रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी निष्ठा से कार्रवाई करेंगे और इनका भविष्य सभी का उज्जवल होगा। सर, जिसको प्राउड करते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन पुलिस डिपार्टमेंट को? देखिए, पुलिस में बहुत सारे कार्य हैं और आप जानते हैं कि पुलिस में टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दिनानुदिन ये बढ़ता ही जाएगा। तो हमारे पास बहुत वेरियस डिग्रीज के लोग आए हैं और उन सब के आने से हमारा विभाग इनरिच हो रहा है। जो हमारे विभाग में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, तो ये हमारे विभाग के लिए और आम जन के लिए, हमारी सुविधा, हमारा जो कार्य है वो आम जनता के हित में हो, हम उनसे जितना कनेक्ट कर पाएँ और उनके जितने प्रॉब्लम्स को, जैसे साइबर या कंप्यूटर, उससे हम लोग थोड़े दूर थे 10-15 साल पहले, लेकिन जैसे समय बदलता जा रहा है, कंप्यूटर और साइबर क्राइम और कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे नए जो लड़के आ रहे हैं वो सभी सिद्धहस्त हैं और उससे हमारे सभी को फ़ायदा होगा।